नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आज का वीडियो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आपको ये बताना है कि मुंह के अंदर जो चार प्रकार के चेंजेस आते हैं, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। जी हाँ, आज का वीडियो टॉपिक है कि मुंह के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो नंबर वन पे जो चेंजेस आता है उसमें क्या होता है कि जीभ के ऊपर एक मोटी परत पड़ जाती है, या आपके ओठों पे, जैसे ओठ ऐसे करके देखेंगे, इस पे मोटी परत पड़ जाएगी, या गालों में कहीं मोटी परत पड़ जाती है, और जो कुरेदने पे भी कुरद जाएगी, मतलब कि उसको खुरचेंगे ना उसको, या हाथ से ऐसे ऐसे करके निकालेंगे तो निकल जाएगा, तो वो कैंडियसिस होता है, वो किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। नंबर दो पे आता है कि आपको आपके पेट खराब है, पेट में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, कब्ज हो रहा है, उसके कारण आपके मुंह के अंदर छाले पड़ रहे हैं, वो छाले बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दवा करते हैं ठीक हो जाते हैं, फिर से छाले पड़ते हैं, वो भी किसी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। नंबर तीन पे होता है आपका कि आपके मुँह के अंदर ल्यूकोप्लेक्सिया हो गया है। ल्यूकोप्लेक्सिया क्या होता है कि जीभ के ऊपर, जीभ के साइड में, अंदर गालों पे, नीचे मुंह के अंदर और जीभ के नीचे, तालू में, ये सब जगहों पे वाइट पैचेस पड़ जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाएंगे, और जब उनको स्क्रैप करेंगे ना तो वो स्क्रैप भी नहीं होते हैं। तो ये होता है ल्यूकोप्लेक्सिया, ये प्री कैंसरस लीजन होता है आपका, कैंसर से पहले का लीजन। अगर इनको ट्रीटमेंट किया जाए, सही से बचाव किया जाए और आपको जो प्रॉब्लम है वो सब छोड़ा जाए तो ये ठीक भी हो सकता है। उसके बाद आता है नंबर चार पे ओरल सर्विकल फाइब्रोसिस, जिस पे कि मैंने 50 वीडियो बनाई हुई हैं, आप हमारे वीडियोस को जाके देख सकते हैं कि ओरल सर्विकल फाइब्रोसिस क्या होता है, क्योंकि पान तंबाकू गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हैं उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों में जेनेटिक्स ये प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों में ये आपका मम्मी पापा को भी है तो भी हो सकता है, कुछ लोगों में खून की कमी से भी होता है, लेकिन 95% पान तंबाकू गुटखा के कारण ही ओरल सर्विकल फाइब्रोसिस होता है। तो ये चार प्रकार हैं जिससे कि आपके मुंह में चेंजेज आते हैं। इनको देख करके आप बिल्कुल घबराइए मत कि कहीं मुंह के अंदर कैंसर तो नहीं हो गया है, क्योंकि जब चेंजेज आ रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, वहां से जाके डायग्नोज कराइए। आज का ये छोटा सा वीडियो आपके घबराहट को देखते हुए मैंने बनाया है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तो पहले ये देखिए कि चेंजेस क्या हो रहे हैं। ये चारों में किसी भी प्रकार का कोई भी कैंसर नहीं होता है, तो इसलिए आप सजग रहिए, समझदार बनिए, स्वस्थ रहिए और हेल्दी बनिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।